9 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल कंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जामिया में CAA प्रोटेस्ट के दौरान फायरिंग, जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक के रास्ते पर जा रहे 5 किशोर बचाए। कोरोना वायरस ने दी भारत में दस्तक, केरल में मिला पहला केस, निगरानी में मरीज। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न नेताओं और पूरे देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नागरिकता कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है। दिल्ली के जामिया इलाके में एक शख्स ने प्रदर्शन के दौरान बंदूक से गोली चलवा दी, जिसके बाद युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले में जख्मी शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिहादियों के दुष्प्रचार से गुमराह होकर आतंक के रास्ते पर जा रहे अनंतनाग के 5 किशोरों को पुलिस ने बचाकर मुख्य धारा में वापस लाया। बुधवार को पांचों को अभिभावकों के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को अपने क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाने में पूर्ण सहयोग का ऐलान किया है। चीन समेत कई देशों में कहर बरपा रहा 2019 NCOV कोरोना वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। केरल में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि केरल का जो मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है वह चीन के वुहान यूनिवर्सिटी का छात्र है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के रामनगर में अज्ञात बीमारी से एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। इस बच्चे का कई दिन से SMGS अस्पताल जम्मू में इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। घरवाले बच्चों को घर पर ले गए, जहां बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। अज्ञात बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या 12 पहुंच गई है। कोरोना वायरस को लेकर चर्चा में आए चीन के वुहान शहर में जम्मू कश्मीर के भी लोग फंसे हैं। इन्हें लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अल्ताफ बुखारी ने चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्हें निकालने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि इन लोगों में वहां काम करने वालों के अलावा 32 विद्यार्थी भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन की प्रशासनिक परिषद ने महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश की 13 नगर पालिकाओं को नगर परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। म्यूनिसिपल कमेटी से म्यूनिसिपल काउंसिल बनाए गए नगर निकायों में सांबा, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, कुलगाम, गांदरबल, कुपवाड़ा, शोपिया, बड़गाम, बांदीपुरा और पुलवामा शामिल है। महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष GM मीर ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक मूक प्रदर्शन किया। इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रख के देश में कवानीन लादे जा रहे हैं। देश में उन कवानीन को गलत तरीके से लोगों पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, 6 महीने से हमारे लोग जिनकी सांसें घुट रखी है कि न बोलने का इजाज़त है, न चलने का इजाज़त है, न कुछ करने का इजाज़त है, और फिर उसको भी बाहर से कहा जा रहा है एवरीथिंग इज नॉर्मल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने आने वाले बजट में जम्मू के साथ में कोई भी भेदभाव ना हो और उनको उनका पूरा हक दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री को एक संचार पत्र भेजा है। हैंडीकैप लोग हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको मेडिकल इंश्योरेंस का कवर डिनाई किया जाता है, वो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। हमने ये गुहार लगाई है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी है ऐसे लोगों की, उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों के लिए उनके लिए मेडिकल कवर प्रोवाइड होना चाहिए। नर्सल में हमने ये मोटी मोटी डिमांड्स की हैं, साथ ही हम मीडिया के द्वारा अपील कर रहे हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी और GST काउंसिल को भी। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी प्रोवाइड पूरी नहीं हुई है, 2G फैसिलिटी से ना तो रिटर्न्स अपलोड। JNK चिल्ड्रंस वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन गुरजीत सिंह सासन ने आज अमर सिंह क्लब में नव वर्ष के कैलेंडर को लॉन्च किया और बताया कि वेलफेयर सोसाइटी ने 10,000 बच्चों को जो एजुकेशन अडॉप्ट करने का जो लक्ष्य रखा था वो आज पूरा कर लिया गया है। अच्छे से अपील करना चाहूंगा और जुडिशियरी से अपील करना चाहूंगा कि जो हमारे हिंदुस्तान में रोजाना रेप हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं होती? कानून में कौन से ऐसे लूप होंगे जिनकी वजह से वो लोग बच जाते हैं, जैसे डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से
तो मैं जुडिशरी से और प्राइम मिनिस्टर जी से ये अपील करूंगा कि वो ऐसा लॉ बनाएं ताकि उनको हफ्ते के अंदर सजा मिले जब वो कन्विक्ट हो जाए। और लोगों से बहनों से वो अपील करूंगा कि जो भ्रूण हत्या जो है वो उसको बंद करें, क्योंकि हमारा जो अब औरत के बारे में भ्रूण हत्या अत्याचार जो हमारे घर से शुरू होता है, जो माँ भ्रूण हत्या कराती है सबसे पहले अत्याचार अपनी बेटी पे वो करती है। जब ये हम बंद नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे समाज में सुधार नहीं आएगा। कश्मीर सहित जम्मू संभाग के कई हिस्सों में मंगलवार की रात बारिश में बर्फबारी हुई। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी भवन पर भी बर्फ गिरने से श्रद्धालुओं में खुशी दुगनी हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बुधवार को पूरे दिन खुला रहा, लेकिन यातायात एक तरफा रहा। हाईवे पर टनल के दोनों तरफ फंसी गाड़ियों को निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेस, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन डिजाइनर सूट साड़ीज लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप पक्का गराज जम्मू, फ्रेंड्स टॉयज विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज फॉर ऑल एज ग्रुप, संजय नगर जम्मू।